चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट के लिए किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार वीडियो पर बने रहिए, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, सीधे चलता हूँ अपने टॉपिक के तरफ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना होगा। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको अपने फोटो वाले आइकन पर चल जाना होगा। इस प्रकार से अपने अकाउंट को ओपन कर लेना होगा। इस अपने अकाउंट को जैसे ओपन करेंगे तो आप किस प्रकार से आ जाना होगा। जैसे आएंगे तो देखिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आ जाएगा, आपका सेटिंग इस प्रकार से इंस्टाग्राम का ओपन हो जाएगा। तो आपको भी अपने सेटिंग को इस प्रकार से ओपन कर लेना होगा। और आप भी देख लीजिए, यहाँ से जिस भी दोस्तों को ब्लॉक किए होंगे आपको यहाँ भी ब्लॉक में आपको शो होगा। तो चलिए मैं आज बताने वाला हूँ किस प्रकार से परमानेंट के लिए अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो आपको उसे नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद आपको अकाउंट स्टेटस पर चल जाना होगा। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो आपको दिख लीजिए आपको इस प्रकार से शो होगा। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही बता दूँ आपको ऊपर वाले आइकन पर आपको आ जाना होगा। फर्स्ट आपको अकाउंट सेंटर में चल जाना होगा। अकाउंट सेंटर पर जैसे जाएंगे तो आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद से आपको कहाँ पर चल जाना होगा, नीचे अकाउंट वाले पर। जैसे आप नीचे अकाउंट वाले जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर लिख रहा होगा रिमूव। आप जिस भी, अगर आपके फ़ोन में जितने भी इंस्टाग्राम के अकाउंट ऐड हुए होंगे आपकी उतने सारे अकाउंट आपको इस प्रकार से शो हो रहा होगा। आपको जिस भी अगर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहां से डिलीट करना होगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। और एक बार वहां से डिलीट कर देंगे तो आपको लाइफ टाइम जितने भी फ़ोनों में अगर आप इंस्टाग्राम के आईडी को लॉगिन किए होंगे ना, तुरंत ही सारे फ़ोन से अपनी आईडी को वहां से डिलीट हो जाएगा। चलिए मैं एक अपनी आईडी को डिलीट कर लेता हूँ, रिमूव कहा जाता हूँ। रिमूव पर जैसे आएंगे तो रिमूव योर अकाउंट को आपको फर्स्ट वाले पर आ जाना होगा। फर्स्ट वाले जैसे आएंगे तो आपको इस प्रकार से देखिए इसमें बता रहा है आप अपने अकाउंट को इस प्रकार से इसमें डिलीट कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। आज का मैं वीडियो बताने का ये मतलब था कि आपका आईडी यहाँ से आपको डिलीट हो जाएगा। आपका आईडी 15 दिन के अंदर में आपकी आईडी परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगी। आपको यहाँ से अपने आईडी को यूज नहीं करना होगा। ऐसा नहीं अभी डिलीट कर दे फिर बाद में खोल के यूज करेंगे तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। एक बार डिलीट करने बाद से आपको अपनी आईडी को ऐसे छोड़ देना होगा। तो आप भी इस प्रकार से इस अपने इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंट के लिए यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और चलिए बता दूँ, अगर इसमें आप इंस्टाग्राम में अपनी स्टाइल में नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपनी स्टाइल में भी अपने नाम को यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए आज का मैं वीडियो यही बताने का मतलब था कि अपने इंस्टाग्राम आईडी को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद होगी मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ओके बाय।